नाजरीन, मैं हूँ ज़वाले इस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमने कुछ देर पहले जो है वो इसी चैनल पर कश्मारा तारिक की वजह से या उनके बेटे और शोहर की वजह से जो वाकया सरजद हुआ उस पर बड़ी तफसीली जो है वो वीडियो की, और उसी हवाले से मेरे साथ जो है वो एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। इनसे मैं मजीद डिटेल लेना चाहूंगी कि इस केस को जो है वो आगे चलकर क्या रुख दिया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। सर, आज जो है इस वाकये के ऐनी शाहिद से जो है वो मैंने वीडियो की कि किस तरह से क्या वक्त था, क्या हुआ, और यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि वो इतनी स्पीड में थे, 180 की स्पीड में थे गालबन, और उन्होंने जो है वो लाशों को उड़ते हुए देखा है। इतनी इतनी हाइट पे थी वो जो सिग्नल की जो लाइट्स होती हैं वहां तक जो है वो गई हैं। पहली बात तो ये कि सर स्पीड वाकई ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपके पास इस तरह के केसेस आते रहते होंगे, और ऑब्वियसली वो पावर में है तो यही केस बनता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो उसकी गलती है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, ये मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर मैंने बात तो की है, लेकिन जो चीज़ें अब आपके साथ मैं आपके चैनल पे शेयर करने लगा हूँ, ये पहले हमने अपने चैनल पे भी इसके ऊपर बात नहीं की। ये जो केस है ये बेसिकली कत्ल ख़ता का है, और कत्ल ख़ता में जो रैश ड्राइविंग है कि जब कोई रैश ड्राइविंग करते हुए किसी की जान ले लेता है तो उसमें ये फॉल करता है, और ये मर्डर नहीं है, ये आता है हमारे यहाँ जो कानून का जो सिस्टम है, मर्डर की जो अकसाम है उसमें एक है कत्ल खता, तो ये कत्ल खता में फॉल करता है जिसकी सजा है 10 साल, 7 दियत भी है। अब ये इसमें इन्होंने किया है क्या है, अजलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और अजलान पहले सारा दिन ये पुलिस की मिली भगत है, अगर पुलिस अजलान को गिरफ्तार करना चाहती तो 12 घंटे थे पुलिस के पास, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और दूसरी बात मैं आपके नाज़रीन आपके तवस्सुल से नाज़रीन को बताता चलूं कि जब भी आपने बेल करवानी होती है जमानत, तो जमानत के लिए ज़रूरी होता है आपके पास FIR की मुसद्दका कापी हो जो आपको थाने से मिलती है, और अब ये जब इन्होंने किसी को गिरफ्तार करना होता है तो ये FIR छुपा लेते हैं ताकि वो जमानत की तरफ ना जाए, जब इन्होंने किसी को किसी को फ्री हैंड देना होता है तो ये उसको खुद कापी देते हैं कि जाए जमानत करवा लें, फिर इस मामले को देखेंगे जब मामला ठंडा हो जाएगा। कल शाम में जाकर एडिशनल सेशन जज से जो जमानत की दरख्वास्त फाइल करके उन्होंने अबूरी जमानत ले ली है। अब देखें, जो लोग जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जज का कोई कसूर नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब आपका ये कानून है कि भाई कोई दहशतगर्दी का मुलजम है, कोई गद्दारी का मुलजम है, कोई कत्ल का मुलजम है, अगर वो अबूरी जमानत के लिए जाता है तो फॉर द टाइम बीइंग उसको वो रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद फिर नोटिस होता है, रिकॉर्ड आता है, फिर बहस होती है, और फिर अदालत देखती है कि क्या जो जमानत है प्री अरेस्ट बेल है वो कंफर्म करनी है या उसको कैंसिल करना है। वो गए हैं, उनके पास FIR की कॉपी थी, उन्होंने अपने वकला को हायर किया और वो दरख्वास्त जमानत उनको उनकी मंजूर हो गई, मंजूर से मुराद ये है कि उनको अबूरी जमानत मिल गई और नोटिस हो गया और रिकॉर्ड आ जाएगा। अब जो प्ली है कश्माला तारिक की, कश्माला तारिक ने उस वक्त जुबान बेसिकली तो कश्माला तारिक का बोलना नहीं बनता था, जितनी कौम दुखी थी और जितनी आग लगी थी कश्माला तारिक इस मामले पर बिल्कुल चुप साध जाती, और अगर उसका ड्राइवर ही क्यों नहीं है, देखें ड्राइवर को क्या लगा कि वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाए, या तो उसको उसके मालकों ने कहा है, क्या ड्राइवर की इतनी जुरत है कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी चलाए। हमारे दोस्त हैं, हम गाड़ियों पर जाते हैं तो अगर कोई दोस्त भी ड्राइवर नहीं दोस्त चला रहा हो तो उससे बंदा कहता है भाई इतने संभाल के चला, इतनी तेज ना चला या इतनी स्पीड में चला, तो वो तो ड्राइवर था, अगर ड्राइवर होता तो वो इतनी स्पीड में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता था। ये गलती की है मनचले ने, जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो ऊपर की मखलूक हैं और बाकी सारे नीचे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे उनको कुचल दें, चाहे उनको रूंद डालें, कुछ भी करें, वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने इसके ऊपर कल भी ये मैंने कहा था कि अगर कर्नल जनरल की बीवी होती तो अब तक बिलावल जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना ने आग लगा दी होती, और यहाँ पर क्योंकि इनकी अपनी है तो इन्होंने एक दफा मुजम्मत तक नहीं की और इन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, अगर कर्नल जनरल की बीवी किसी के साथ बदतमीजी करती है हम उसकी मुजम्मत करते हैं, उनके पास ये हक नहीं है, लेकिन आप इंसाफ करें ना, वहां वो बदतमीजी करें तो आपका 24 घंटे सोशल मीडिया काम करता है इसके ऊपर,
और यहाँ पर उन्होंने चार लोगों की जाने ले ली, दो लोग हॉस्पिटल में पड़े, और आपने एक ट्वीट नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि कश्माला तारिक जो उसके बच्चे की गलती है या जो जिम्मेदारान है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब कश्माला तारिक ने ये मामला सारे का सारा उसके सर डाल दिया है और उसको ये कहा है कि आप इस बात की टेंशन ना लें, ये हम दियत भी दे देंगे, हम पार्टियों के साथ पैचअप भी कर लेंगे। अब देखिए जो लोग वहां से आए हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से, और वो उन लोगों की डेथ हुई है, उनकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, और उनको ये भी पता है कि कौन 6 साल केस को डिफेंड करेगा, तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको पता है कि ना तो उन्होंने केस को डिफेंड करना है ना वो हमारे साथ दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ले दे करके मामला दियत की तरफ चला जाएगा, और पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, ये तो अरबों रुपए तो इनके हक मेहर में आ जाते हैं, तो ये पैसे तो दे सकते हैं। इन्होंने ड्राइवर को कुर्बानी का बकरा बनाया है और उसको कहा है कि हम आपको बचा लेंगे, आप एक दफा ये कड़वा घूंट भर ले, क्योंकि अजलान अगर एक दिन थाने में जाएगा या 2 दिन जेल में जाएगा तो फिर तो क्यामत आ जाएगी, फिर तो इतनी बड़ी गुस्ताखी कि एक इतने बड़े आदमी का बच्चा जो है वो उसको थाने में बंद कर दिया जाए, चाहे उसने कुछ भी किया है, तो कोई भी माँ अपने बेटे को इसलिए डिफेंड करे कि वो उसका बेटा है, और वो अगलों को ना देखे कि जिनके चार चार बच्चे वो बेचारे आए थे नौकरी ढूंढने के लिए और वो उम्मीद लेकर आए थे, और उनके उनके घर वालों को ये उम्मीद थी कि हमारे बच्चों की कॉल आएगी और वो हमें खुशखबरी सुनाएंगे कि हमारा टेस्ट पास हो गया है, हमने अच्छे मार्क्स लिए हैं, या हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या हमें नौकरी मिल जाएगी। वो ये उम्मीदें, और पता नहीं उनकी फैमिली ने क्या क्या सोचा होगा कि इनकी नौकरियां लग जाएंगी तो हमारी फैमिली कैसे, हमारी फैमिली के लिए बेटर होगा, हमारे फ्यूचर के लिए बेटर होगा। और जब उनके घरों में जनाजे गए हैं उसके बाद आप देखें कि ये मामला, और इनको क्या जरूरत थी, अभी जनाजा नहीं हुआ था और इन्होंने पहले दिन जाके जमानत भी करवा ली, कश्माला तारिक ने आके अगर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया के साथ जैसे उन्होंने गुफ्तगू की वो भी आपने देखी, तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई बदकिस्मती है। और इस केस में क्योंकि कत्ल खता का केस है और कत्ल खता में ये हमारे लोग अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं है, यही वजह है कि ये बड़े बड़े लोग बच जाते हैं। और अब तो बदकिस्मती है कि हम देखते हैं कि किसी की किसी के साथ दुश्मनी भी हो तो वो भी गाड़ियों के जरिए एक्सीडेंट करवा के बंदे मरवाते हैं ताकि वो मर्डर की तरफ जाए नहीं, ये इतनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की। तो अब देखते हैं कि अब इनका क्या बनता है, जो होना है वो मैंने आपको बता दिया है, पुलिस ये जो अभी जमानत की तारीख है 16 16 से पहले पहले अजलान की हद तक उसको बेगुनाह लिख देगी, बेगुनाह लिखेगी तो अजलान जाके अपनी जमानत वापस ले लेगा और ड्राइवर को गुनाहगार लिखेगी, उसकी हद तक चलान जमा होगा और चलान में उनकी कत्ल खता में जमानत हो जानी है, और जमानत होगी और उसके बाद ये मामला फिर, और फिर हम आपको पता है मुझे भी और आपको भी, एक हफ्ते बाद ये मामला भूल जाएगा। इस मुल्क में इश्यूज इतने हैं कि वो बंदा नए इशू पे बात करे या पिछले को लेके चले तो वो फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वजीर इमरान खान साहब ने इस बार जो है वो बड़ी जल्दी नोटिस लिया है, और उनकी दोनों हुकूमत में 2 साल में कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं, लेकिन ये वाकया उनके अपने ही गवर्नमेंट के बंदे से हुआ है क्योंकि वो खुद इनमें इन्वॉल्व हैं। तो अब उम्मीद यही है कि खान साहब कोई अच्छा डिसीजन इस बार ले ले, क्योंकि कौम की नजरें एक बार फिर उन्हीं की तरफ है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इन साहब से दोबारा आप तक होंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।